सो ईद के तीसरे दिन पूरा दिन इंतजार के बाद अब खबर यह है कि पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान मैच बारिश गीली आउटफील्ड के बाइस कॉल्ड ऑफ, एक एक पॉइंट मिला है और 92 के वर्ल्ड कप की हिस्ट्री रिपीट हुई है। यहाँ पाकिस्तान पहला मैच हारा, दूसरा जीता, तीसरा जो है वो बारिश के बाइस नहीं हो सका। लेकिन यहाँ थोड़ा सा डिफरेंस देखना पड़ेगा उस वर्ल्ड कप और इस वर्ल्ड कप के मुकाबले में, क्योंकि ये अभी वर्ल्ड कप बहुत आगे जाएगा। यहाँ कुछ बड़ी टीमें जैसे साउथ अफ्रीका प्रेशर में हैं, छोटी टीमें इवन श्रीलंका की बात करें तो 7 मैचेस वर्ल्ड कप में हारे हुए थे, तो वो तो खुश होंगे हिस्टोरिकली अगर इस पूरे कॉन्टेक्स्ट को देखा जाए। तो पाकिस्तान के लिए क्या ये पॉइंट लूज करना अच्छा हुआ है बुरा हुआ है ये तो वर्ल्ड कप बताएगा, लेकिन आइडियली पाकिस्तान इंग्लैंड को हराने के बाद वेल प्रिपेयर्ड पूरे वर्ल्ड कप में पाकिस्तान ने अब तक जो इससे पहले इंग्लैंड के खिलाफ जो सीरीज हुई थी, सो आई थिंक पाकिस्तान थोड़ा सा लो फील करेगा, लेकिन ऑब्वियसली आउट ऑफ हैंड है, आप बारिश का या मौसम का कुछ नहीं कर सकते। थोड़ा सा कंसर्न न्यूज एक ये भी है कि पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया के दरमियान मैच में भी बारिश की पेशगोई है। सो पाकिस्तान को वर्ल्ड कप में अपने प्लान्स को थोड़ा सा रिव्यू और थोड़ा सा और बैठ के जो है प्लान करना होगा कि आगे के मैचेस में क्या हो सकता है, क्योंकि आज के मैच पाकिस्तान जीतता तो फिर पाकिस्तान मजीद ऊपर आता। श्रीलंका नंबर 3 पर है 3 पॉइंट के साथ, पाकिस्तान नंबर 4 पर आया 3 पॉइंट के साथ, तो एक एक पॉइंट से दो दो जंप संवारी हैं। लेकिन पाकिस्तान आई थिंक इस मैच में थोड़ा सा लो फील करेगा। अब देखते हैं कि इस पॉइंट का आगे जाके क्या फायदा होता है क्या नुकसान होता है, लेकिन आज के लिए क्रिकेट के लिए कोई अच्छा दिन नहीं था कि मैच भी नहीं हुआ और पॉइंट्स भी शेयर हो गए।